एक दंत दयावंत चार पूजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसकी सवारी। आज हम अपने बप्पा को घर पे ही बनाएंगे। इसके लिए हमें मैदा, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, चॉकलेट बॉल्स, तुलसी के बीज, पानी और कुछ क्राफ्ट की चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक बोल में आप एक कटोरी मैदा ले लीजिए। ये 250 ग्राम मैदा है। इसमें हम आधा कटोरी हल्दी ऐड करेंगे, एक चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड करिए और दो लौंग को पीस के इसे मिश्रण में ऐड कर दीजिए और इस अच्छे से मिश्रण को बहुत अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लीजिए, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हल्दी और लौंग से फ़ायदा ये रहेगा कि प्रतिमा ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी, उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। चीनी से स्टिकी टेक्सचर आता है, जिससे प्रतिमा को बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। अब पानी की सहायता से एक अच्छा सा स्मूथ डो बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, बहुत गीला मत करिएगा। अच्छे से स्मूथ डो को बनाने से हमारी मूर्ति बहुत अच्छे से तैयार होगी। थोड़ा सा मैदा हमने और ऐड कर दिया, जिससे एक अच्छा सा डो तैयार हो जाए। इसको अब हम 5 मिनट ढक के रख देंगे किसी बोल के अंदर। चलिए एक डो और बनाएंगे। इसमें आधा कटोरी मैदा मैंने लिए, आधी चम्मच चीनी, एक लौंग का पाउडर। इन सब चीज़ों को भी मिक्स करके पानी की सहायता से एक स्मूथ डो बना लेंगे। कोरोना टाइम चल रहा है, हम घर पे ही अपने पप्पा को तैयार कर रहे हैं। इको फ्रेंडली पप्पा, घर पे ही विसर्जन करेंगे। ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस ब्लॉग में। अब हमने दो हिस्से में डो को डिवाइड कर लिया है। एक में हम खाने वाला हरा रंग ऐड करेंगे। ऐसे रंग मिलाने से आपके डो में मार्बल टेक्सचर आएगा, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, पानी से रंग बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब दूसरे डो में हम खाने वाला लाल रंग का यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से डो में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वाइट कलर का डो मैंने बचा लिया था। इस सब चीज़ों इन सारे डो को ढक के 5 मिनट हम रेस्ट करने देंगे, तब आगे का काम करेंगे। ये देखिए, 4 तरह के डो तैयार हैं। मेरी बेटी भी आज इन्वॉल्व है, आज मेरी बेटी भी साथ में है। उसको बहुत मज़ा आ रहा है अपने पप्पा की तैयारी के लिए। एक मोटी सी पॉलिथीन लीजिए, उसमें हरे रंग का जो डो तैयार किया था हमने, उसको अच्छा सा स्मूथ बॉल बना के हम एक पत्ती का शेप देंगे बेलन और हाथों की सहायता से। थोड़ा सा हाथ से खींचते हुए चीनी डालने से स्टिकी टेक्सचर आता है, जिससे प्रतिमा को बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। अब किसी डंडी की सहायता से या तूती की सहायता से पत्ती की डिटेलिंग कर लीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। अब हम पीला डो उठाएंगे, जिसको 10 हिस्से में बांटेंगे, जिसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा चाहिए, फिर 2 1 बराबर वाले, फिर बाकी और हिस्से, जिससे हाथ पैर सूंड बनेगा। ये हाथ पैर के लिए हो गए, ये मैंने सूंड के लिए काट लिया है। अब जो डो बचा हुआ है, इसमें उसको मैं बड़े वाले हिस्से में एडजस्ट कर दूंगी। अच्छे से हम स्मूथ कर लेंगे डो को। अब इन सारे हिस्सों की आप बॉल शेप बना लीजिए, जिससे आगे बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। देखिए, सारे हिस्से बन गए। अब एक फिर से नई दूसरी पॉलिथीन लीजिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा था उसको नीचे बेस के लिए हमने इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा बेलन की सहायता से गोल बेल लीजिए, थोड़ा सा शेप दीजिए। अब इसके बाद एक गोल हिस्सा फिर से लीजिए, बड़ा ही वाला, इसको पानी की सहायता से बेस के ऊपर चिपकाइए। ये पप्पा की बॉडी का शेप हम देंगे। फिर इसके ऊपर दूसरा एक हिस्सा बड़ा वाला लगाइए, ये पप्पा के ऊपर का हिस्सा बनेगा। ये बॉडी का स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं। 2 बॉल की सहायता से हल्के से पानी को लगाते हुए हम शेप को बरकरार करेंगे, एक अच्छा सा शेप देंगे। ये अब हम पैर बना रहे हैं, थोड़ा सा लंबा शेप देके अंगूठे की सहायता से डिटेलिंग करते हुए। एक हिस्सा मेरी बेटी ने भी बनाया है पैर का, उसको भी मैं पानी की सहायता से चिपका दूंगी। देखिए, पानी से बहुत अच्छे से सारे जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से चिपक जाएंगे। थोड़ा सा फिंगर्स की सहायता लीजिए। अब हम एक बोल लेंगे,
जिससे हाथ बनाएंगे। हाथ और पैर के मैंने अलग अलग रखे थे ना, वही वाली मैं हिस्से ले रही हूँ। फिर इसको भी वही पैर की तरह थोड़ा सा लंबा करके और अंगूठे और उंगली की सहायता से डिटेलिंग करते हुए, शेप देते हुए, पानी की सहायता से पैर के ऊपर वाले हिस्से में ही हम चिपकाएंगे। पप्पा बहुत ईजली बन जाते हैं, इतने सीधे साधे हैं कि हम लोग को कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं और घर में ही तैयार हुए जा रहे हैं। अब हम दूसरा हाथ बनाएंगे पप्पा का। एक हाथ में डिटेलिंग करेंगे, वो लड्डू या मोदक लेंगे, एक से हमें आशीर्वाद देंगे, तो वो डिटेलिंग भी हमने हाथ में कर दी है। अब हम उनके कान बनाएंगे। कान को बनाने का सबसे ईजी मेथड है, डी शेप दीजिए, इंग्लिश का जो डी होता है वो शेप दीजिए, कान बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिए, अब पानी की सहायता से कान को भी चिपका दीजिए। पानी से स्मूथ करते रहिए प्रतिमा को, जिससे टेक्सचर बरकरार रहे, मगर बहुत पानी भी मत लगा दीजिएगा, बहुत हल्के पानी से स्मूथ करिएगा। पीछे के हिस्से को चलिए हम अच्छे से चिपका देते हैं पानी की सहायता से। अच्छे से हमने एक स्मूथ टेक्सचर प्रतिमा में लाया है। आपने कभी मिट्टी की मूर्ति बनते हुए देखा होगा, तो देखा होगा कुम्हार पानी का सहायता से ही मूर्ति की काम करते हैं। ये मैं सूंड बना रही हूँ, सूंड में मैंने तुलसी के बीज डाल दिए हैं, क्योंकि मैं घर में ही विसर्जन करूँगी तो आगे चल के तुलसी का पौधा उगेगा, जिस जो हमारे प्रभु के रूप में उसकी पत्तियाँ निकलेंगी। तो मैंने सूंड में तुलसी के बीज डाल दिए हैं, उसको भी पानी की सहायता से चिपका दिया है, सूंड का शेप दिया थोड़ा सा। अब तू एक ईयरबड की सहायता से, पानी की सहायता से अच्छा सा डिटेलिंग करिए, सब चीज़ें अच्छे से स्मूथ चिपक जाएं। मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको चतुर्थी के समय बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हमने लौंग की सहायता से पप्पा की आंखें बनाई हैं और टूथपिक की सहायता से हाथ, कान, सूंड सबकी डिटेलिंग कर रहे हैं हम लोग। मैं ये कह रही थी कि आपको मेरे ब्लॉग में बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं, इसलिए जुड़े रहिएगा। अब लाल वाला जो डो तैयार किया था उसको चार हिस्से में मैं बांट लिया है। एक बड़ा हिस्सा मैंने लिया है और उसको लंबा खींचते हुए बढ़ाऊंगी। मैं अपने बप्पा की पगड़ी बनाऊंगी। उंगली में लपेटते हुए पगड़ी बना लीजिए। देखिए कितने अच्छे से पगड़ी तैयार हो गई है। अभी थोड़ी सी अधूरी है, सेट करके देख लूँ कि उनको साइज़ में सही है कि नहीं। अब थोड़ा सा ऊपर एक येलो कलर का टिप लगा दूँगी, इसे खूबसूरत लगे। और टूथपिक की सहायता से मैंने इसको सेट कर दिया है। टूथपिक की सहायता से करिएगा, जिससे ये टिकी रहे अच्छे से। अब पानी से पूरी डिटेलिंग कर लीजिए पप्पा की, अच्छे से स्मूथ कर दीजिए सब जगह। बहुत सुंदर अभी से लग रहे हैं, मगर अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। अब जो पत्ता हमने बना के रखा था उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के अपने पप्पा को बैठाइए। जहाँ जहाँ आपको लगता है डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, टूथपिक या किसी डंडी की सहायता से करिए। अब हम दांत बनाएंगे वाइट वाले डो और टूथपिक की सहायता से। एक दांत छोटा और एक दांत बड़ा। ये देखिए कितना अच्छे से दांत लग गए हैं। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। अब तिलक बनाएंगे। तिलक के लिए हमने वही वाइट वाला ही डो लिया है और उसके पतले पतले तीन शेप काटेंगे। इससे पहले हम चलिए जनेऊ पहना देते हैं। मेरी बेटी ने कहा पप्पा जनेऊ पहनते, आपने नहीं पहनाए। तो सूंड को थोड़ा सा उठाते हुए और कान के पीछे से हमने पतला से जनेऊ पहना दिया अपने पप्पा को। ये पहनाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे भी जानते हैं आजकल। और फिर हम एक टूथपिक की सहायता से मैंने तिलक की डिटेलिंग की और उस पर वाइट वाला डो लगाते हुए तिलक बना दिया है। अच्छा सा प्रेस कर दीजिएगा जिससे तिलक चिपक जाए। अब तो मूसक की बारी है। बिना मूसक के अपने पप्पा खुश नहीं होते हैं, तो उनका मूसक भी मैंने बनाया है। डंडी की सहायता से डिटेलिंग की है। काली मिर्च से मैंने उसकी आँखें बनाई हैं मूसक राजा की। अब प्रसाद की तैयारी करते हैं। लाल वाला डो लेंगे हम और उसकी कटोरी बनाएंगे। मेरी बेटी पीले पीले डो से बेसन के लड्डू तैयार कर रही है पप्पा के लिए। मूर्ति में सब कुछ होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। अब उनके हाथों में की जो डिटेलिंग की थी, वहाँ पे हम एक मोदक रखेंगे। टूथपिक की सहायता से उसको भी सेट कर देंगे। ये देखिए मेरी बेटी ने लड्डू बना के रख दिए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं आपको क्या बताऊँ, अब थोड़ा सा मैंने
इसमें तुलसी के बीज ऊपर से स्प्रिंकल करें जिससे खूबसूरती आए थोड़ा सा। मूसक राजा के लिए भी एक मोदक रख दिया गया है। कुछ बिंदियाँ मेरे पास रखी थी बिल्कुल नई, मैंने उनसे डिटेलिंग की है, थोड़ी सी खूबसूरती आ गई मेरे पापा की मूर्ति में। ये चॉकलेट बॉल से मैंने लड्डू पे लगा दिए हैं, उनकी सूंड पे लगा दिए हैं। थोड़ा सा डंडी की सहायता से प्रेस करिएगा जिससे अच्छे से चिपक जाए सी। ये मेरे पास थोड़े सितारे रखे थे वो भी मैंने लगा दिए जिससे थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाए। रंग से मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग की है आँखों में, हाथ में, सूंड में। थोड़े से रंग से मैंने उनकी धोती भी तैयार कर दी है। थोड़ा सा रंग बिरंगे हमारे पप्पा हो गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं बस गणेश चतुर्थी का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से अपने पप्पा को बैठाऊँ। टूथपिक की सहायता से पीछे से भी मैंने उनकी पगड़ी को टिक कर दिया जिससे अच्छे से पगड़ी टिकी रहे। अब जो पॉलिथीन थी उसको आप काट लीजिए। अब पप्पा को आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं आसानी से। ये देखिए मेरे पप्पा बिल्कुल अब बैठ गए हैं, मेरे घर में आने को तैयार हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।